रामपुर में आजम खान के समर्थन करने पर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता जया प्रदा ने समाजवादी पार्टी संरक्षण मुलायम और सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान ये समझते हैं कि उनके खिलाफ ये कार्यवाही मेरी वजह से हो रही है, लेकिन ये सच है कि उन्होंने जैसा बोया है वैसा ही वो काट रहे हैं। जो गलतियां की हैं उनकी सजा अब उन्हें मिल रही है। मुलायम सिंह के आजम के भीख मांगने यूनिवर्सिटी बनाए जाने वाले बयान पर उन्होंने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि अगर भीख मांग कर यूनिवर्सिटी बन सकती है तो सभी लोग यूनिवर्सिटी बना देंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि भीख मांग कर कोई छोटे छोटे कमरे तो बना सकता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी वो हजारों भी है, वो भी रिपीट, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी है वो भी हजारों हेक्टेयर की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरसते हुए जया प्रदा ने कहा कि मैं सपा सरकार के जब आजम खान पर जया प्रदा ने अत्याचार कर रहे हैं तो आप मुझे बचाने नहीं आए, क्योंकि मैं औरत हूं और हिंदू हूं। उन्होंने कहा कि आज आजम साहब आपके गुरु हैं। उन्होंने दो टुक कहा, जो शख्स अपने पिता को पीछे छोड़ सकता है वो अपने आजम को क्यों नहीं छोड़ सकता है। मुकदमे दर्ज होने के बाद के दो महीने में सिर्फ एक बार ही आजम खान के रामपुर आने पर जया प्रदा ने कहा कि पहले आजम खान लोगों को रामपुर से भगाते थे। जब मैं सिटिंग एमपी रही तो मुझे रामपुर से भगाया, तब मैं मुरादाबाद से काम करती थी, तो जो बोया गया है वही काटा जाएगा। आजम साहब पर इतने केस हैं कि उन्हें अपनी गिल्टी का एहसास है कि उन्होंने क्या किया है, लोगों को ऑफिसर को कितना परेशान किया है। आजम खान फिर से रामपुर आकर अपना सम्मान पा नहीं सकते। उस समय पर अखिलेश को जयप्रदा याद नहीं आई और आजम खान साहब मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, मेरे ऊपर हमला कर रहे थे, मेरे ऊपर बदजबान चला रहे थे, तो आप बचाने के लिए क्यों नहीं आए? तो आप भी रामपुर आना था या मुलायम सिंह जी आना था? क्योंकि मैं औरत हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, इसलिए आप मुझे बचाने नहीं आए। आज आजम साहब आपका गुरु है, जब आप पिता को छोड़ सकते हैं तो आजम को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? इसीलिए कि आपको राजनीति करना है, मुसलमानों की वोट चाहिए, इसीलिए आप चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो रामपुर याद आया। देखिए आज मैं आपसे बहुत दुखी, जो दिल से मैं बता रही हूँ कि आप रामपुर जब आए हो तो जो लोग इतने सालों से आजम के जुल्म सह रहे हैं, आजम के वजह से वो लोग जेल गए हैं, आजम के वजह से किसान लोगों को नुकसान हुआ है, ज़मीनें हड़पने के लिए लोगों में दबाव बनाया है, आले हसन को आप साथ लेके कई गुना किए हैं आपने, तो आप अखिलेश जी उन गरीब लोगों के लिए, उन किसान जो आजम ने जुल्म से उनके जमीन हड़पा, तो उनके घर में क्यों नहीं गया? अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो उनके घर में भी जाना चाहिए, असलियत और सच्चाई को जानकारी करना पड़ेगा, तब जाके इनके केसेस को, इनके कॉपी को, इनके FIR कॉपी लेके जाके आपको जो लोकतंत्र के जो बड़े नेता हैं उनसे मिलने चाहते थे आप, तो आप मिलो, आपको पूरे अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि जो आदमी जुल्म करके यूनिवर्सिटी बनाया, जो लोगों के जमीन हड़प के आप इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया। और मुलायम सिंह जी, मैं उनको रेस्पेक्ट करती हूँ, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि भीख मांग मांग के यूनिवर्सिटी बनाया आजम ने, मैं ये पूछना चाहती हूँ तो ऐसे अगर भीख मांग के यूनिवर्सिटी बना सकते हैं तो इस दुनिया में सभी लोग बना देंगे। यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनता है, यूनिवर्सिटी छोटे छोटे जो कमरे बनाना हो तो लोग भीख मांग के कर सकते हैं, लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी है, हजारों हेक्टारों का यूनिवर्सिटी है। तो आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इतने जो देश में दान देने वाले हो तो हर एक यूनिवर्सिटी करने के लिए बैठ जाएंगे। तो आज मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, जनता से पूछना चाहती हूँ, प्रशासन अपना काम कर रही है क्या? प्रशासन को आप उनका काम पर बाधा डालने के लिए अखिलेश आए हैं? तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार बदली है, आप ये बदल रहे हो, आप ये सोचना चाहिए कि हमारी सरकार आ जाए तो आजम के सारे मुकदमा खत्म हो जाएगा। ये आपका सपना है या अखिलेश? आप फिर से CM नहीं बन पाएंगे, आपकी सरकार नहीं आएगी, क्योंकि आप आदरणीय मोदी जी के सरकार से टकरा रहे हो, आप योगी से टकरा रहे हो। लोग मोदी जी को चाहते हैं, योगी जी को चाहते हैं, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं
उन्हीं को लोग वोट देंगे आगे भी और 10 साल भी। मोदी जी ही सरकार बनाएंगे और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनेगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।